तो अभी घर बैठे बैठे पापा एकदम कहते हैं कि चल 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 तुझे बाहर की दुनिया दिखा के लाऊं। जहाँ वीडियो में गाली आ गई, जहाँ आपने कहीं वीडियो में गाली दे दी या कुछ हंस के बोल दिया, गाली दे दी बढ़िया से, तो बंदा पूरी वीडियो देखेगा। और अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी तो वो बीच में स्किप करके वही छोड़ के वहीं चले जाएंगे। आज ऐसे बाहर गाड़ी में बैठ के काफ़ी टाइम बाद, और ये इसमें अपनी बच्ची में बैठ के, ये ख़राब हो गई थी 4 महीने से घर पड़ी पड़ी, तो आज इसे 4 महीने बाद बाहर लेके जा रहे हैं घुमाने थोड़ा। अभी मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट कि हम जा कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि चल तो हम चल दिए, बट शायद से हम पापा एक ही जगह जा सकते हैं, वो गुरुद्वारा। वो मुझे पता है पापा एक ही जगह जा सकते हैं, वो गुरुद्वारा, वहीं जा रहे हैं अभी शायद, शायद क्या वहीं जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, ये एक बहुत बढ़िया बात है बेटा कि तुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आजकल लोगों को कुछ अच्छा महसूस हो ही नहीं रहा। As I told you that I started my home workout अभी एक हफ्ते पहले, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, मुझे भी अजीब सा लग रहा था 2 महीने से। पापा को पता है, मेरे को पता है, रोज डांट पड़ रही थी मेरे को बढ़िया से, तो अपना वर्कआउट कर, सही से खा, सही से पी, सही से बैठ, मतलब टाइम स्केड्यूल सब खराब हुआ था। मैं इसके लिए पूरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, बट उसे मैं स्क्रिप्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि वो मेरे एकदम जो अभी थोड़ा सा सही हुआ है, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, थोड़ी डाइट भी सही चल रही है। किलोमीटर देखिए कितने, प्राउड देखिए क्या किलोमीटर, 333333333 ये स्ट्रीट फूड किसे किसे पसंद है। पहले हमारा, अगर हम यहाँ पे आते थे ना, मतलब मेरा तो नहीं, मेरे को बहुत मिर्ची लगती थी इसमें, बट पापा का फेवरेट होता था। यहाँ पे एक वो है, क्या नाम था, चाट वाले का, यहाँ पे तिमारपुर में रस्ते में पड़ता है हमारे मॉडल टाउन के में, तो यहाँ है बंगाली चाट वाला तो और कोई होते हैं पापा, बंगाली बाबा होते हैं, बंगाली बाबा। अरे तो मतलब बेसिकली यहाँ पे एक चाट वाला है स्ट्रीट फूड, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो पापा यूज टू ईट फ्रॉम कब से, 21-22 साल से है ना, या तो पापा 21-22 से 99 से, तो पापा यहाँ से आके, यहाँ पे आके 99 से वो चाट, आलू की चाट और वो फ्रूट चाट खाते थे, बट अभी कोई चाट नहीं, कोई कुछ नहीं, बट लोग खा रहे हैं। अभी यहाँ पीछे गोलगप्पे की रेडी से मस्त लोग खड़े हुए गोलगप्पे खा रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। चलते चलते रुक जाते और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। हाँ हेलो हेलो, यहाँ की भी रौनक खत्म हो गई होगी अब, नो गर्ल्स तो क्या ही रौनक यहाँ पे है ना पापा। पहले कॉलेज होते थे लोगों के, यहाँ पे लड़कियाँ आती थी घूमते थे, फिर लड़के भी आते थे घूमते थे देखते थे। आप आते थे पहले हैं, आप घूमते थे पहले यहाँ पे, तो लड़की हमें देखेंगे बेटा, लड़कियों को देखेंगे। पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं, अरे अलग ही पहचान थी बेटा। कैसे 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 चलेगी बेटा, वो टाइम खत्म हो गया, क्या बताएं कैसे, मतलब आपने मुझे बताया था कि आप यहाँ घूमने आते थे शादी से पहले। नहीं घूमने नहीं आते थे, बुलाते थे लोग आ जाओ हैं, बुलाते थे लोग आओ यहाँ पे, काफ़ी लोग होते, दोस्त होते थे, बुलाते थे कि आओ यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी रौनक बढ़ाओ कैंपस की रौनक बढ़ाओ है। छोले भटूरे खाने आते थे यहाँ पे, वो जो फेमस वाला बता रहे थे, कौन सा बता रहे थे वो, हम छोले भटूरे वाला बेटा, वो दूर है, कहाँ पे, कहाँ पे, करोल बाग में। अच्छा, वो करोल बाग में, ठीक है, एक गफार मार्केट में, काफी भटूरे वाली गली में, काफी भटूरे वालों के चक्कर लगाए हैं आपने, भटूरा हो बने बेटा खा खाके। वही वही मैं बोलने वाला था कि आप भटूरा हो जाओगे खा खा के। ओ भाई, अभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं बाहर, अगर हो पाया तो मम्मा मैं प्रेरित और पापा बाहर जाने की कहीं अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पे। चल भाई तो यहीं रहेगा आज, लाड चल गया यहीं रखे, तो हम कुछ प्लान कर रहे हैं, देखेंगे बाहर अच्छी सी एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, निकलेंगे घर से बाहर। शुरू शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था ना,
जब कितनी खुशी हो रही थी पापा कि हाँ भैया चलो घर में रुकेंगे थोड़े दिन, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पहले 15-20 दिन अच्छा लगा था कि हर साल होना भी चाहिए, हर साल होना। अरे यार बट पापा ये उसके वजह से हुआ, ये तो पेंडेमिक की वजह से हुआ। गुजरात में होता है बेटा दिवाली के बाद, गुजरात में 8-10 दिन कुछ काम नहीं होता। हाँ वो एक हफ्ते का ऐसा होता है, पूरा गुजरात बंद हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए, जहाँ भी कोई फेस्टिवल बड़ा था वो साल में एक हफ्ता 8 दिन होना चाहिए बंद, तो लोग अपने परिवार के साथ तो काम वाम में बिजी रहते, नहीं हुआ था एक दिन दो दिन पीछे काम। हमारे प्रेरित को यहाँ का बर्गर बहुत पसंद था, फूड बस का बर्गर बहुत पसंद है उसे महाराज को। बाहर का खाना खाया हुआ तो टाइम कितना हो गया, अब तो मैं ही शेफ हो गया हूँ घर पर, बना बना के ऐसा ऐसा खाना बना देता हूँ, ऐसा मज़ा आ जाता है। कभी आना हवेली पे, छापे ले लेंगे, चापे ले लेंगे, चापे बनाएंगे आज यहाँ से स्पेशली पापा। या चापे भी आप बहुत पुराने लेके जाते हैं यहाँ से, है ना? बहुत टाइम हो गया बेटा, ये सब हम बहुत पुराना ही ले जाते हैं, हम जो काम करते पुराना करते, तो भी 22 साल से चल रहा है पुराना। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओ भाई कल क्या सीन हुआ, कल मैं नाटी का सुबह खाना बना रहा, तो बनाते दूध रखा था गर्म बहुत ज़्यादा, उबला हुआ एकदम, तो मैंने पापा यार तो मैं दूध डाल रहा था उसमें ऐसा करके, क्या पता क्या सामान बहुत सारे होते हैं, चुप हो जाओ। मैं दूध डाल रहा था और दूध डालते डालते ऐसे हाथ से पतीला फिसला और सारा दूध, भाई जो मेरे को मेरी हालत खराब हुई है ना, मैंने बर्फ ना लगाई होती तो काम खराब था, पापा ने बर्फ ना लगाई होती तो मेरा काम खराब हो गया था। पतीला ठंडा लगा दी दूध वाला, बर्फ लगाई। भाई देखो ये ब्लॉग ना रेंडम ऐसी बातें हो रही हैं, अब यूट्यूब पे आपको समझ आए ना आए हम डाल देंगे, हम ऐसे ही डाल देंगे ऐसे उठा के रॉ बिना किसी सिनेमैटिक्स के, ठीक है? मजे आने चाहिए बस, लाइफ चल रही है, आज इतने दिनों बाद बाहर निकले, दिखाना तो बनता था ना कि हाँ भैया बाहर निकले, समझ रहे हो? लाइफ में मजा आ जाए, मजे की डेफिनेशन अलग अलग है, किसको कैसे मजा आता है, किसी को कैसे मजा आता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज भी बहुत तेज शुशु आया, वो शुशु कर दे आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। हमारे साथ हुआ था ऐसा, याद है कब बेटा? होता है रिलीफ आदमी को मजा, कैसे मजे की डेफिनेशन अलग, हर आदमी का अलग अलग है, हर आदमी अलग अलग मजा लेता है, तो मजा आदमी को आ जाए आजकल क्या चाहिए। बस वही है, अभी घर पे लोगों को बाबा बड़ा, मतलब मैं अगर अपने दोस्तों को भी देखूँ ना, तो मेरे दोस्त हो गए या फिर इंस्टाग्राम हो गया, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, इंटरेस्ट हाँ चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। तो इस 2020 में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि अपने, बहुत ज़रूरी है कि अपने मेंटल हेल्थ बढ़िया रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ हो जाए, चलो चल रही है थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, बट अपने आप को स्टेबल रखो, ये सोशल लाइफ से या फिर इनकी ये सब चीज़ों से अपने आप को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, बट इसे निभाना और इसे करना और इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़रूरी हो निकलो घर से, नहीं तो नहीं ज़रूरी हो तो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो निकलो। अभी तो मेरे को पता है पापा के लिए गुरुद्वारा जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलाओ। अगर रह भी रहे हो तो मैंने जो 2 महीने में एक्सपीरियंस करा, मैं अपनी पूरी अगली वीडियो बनाने वाला हूँ इस बारे में, अगर आप लोग कहोगे तो, मैंने 2 महीने में जो एक्सपीरियंस करा ना, गालियाँ खा के पापा से, लिटरली मैं सामने बैठ के बोल रहा हूँ, गालियाँ खाई हैं, तू टाइम पे सो टाइम पे उठ, उनको बहुत टेंशन होती थी कि मैं पहले, मेरी जो मेरी लाइफ चल रही थी मेरी लॉकडाउन से पहले, अच्छी डाइट, अच्छा रहना, अच्छा खाना और अच्छे से वर्कआउट करना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, अपने बारे में सोचना, रात रात को लूडो खेलने लग गए हम, हम नहीं मतलब मैं खेलने लग गया, अकेला तो खेल ही नहीं सकता बेटा। अरे मतलब हम ही तो बोल रहे हैं, मैं नहीं बेटा, फोन पे लूडो खेलने लग गया, तो पूरा रूटीन एकदम चेंज हो गया था। अभी पापा पता है, अभी करते हैं इस बारे में बात, मैं हडसन लेन पे पहुंच चुका हूं और हडसन लेन का हाल ना कुछ ऐसा है कि सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि सब बंद हो चुके हैं। अभी एक दो मेरे ख्याल खुले, देखो सब लॉक हो चुके हैं एकदम बड़ी, सिर्फ सबवे खुला है यहाँ पे और ग्रीन चिक चौक खुला है और खुला है 24/7, बाकी सब बंद है। चाप क्या मैंने आज ही बनानी है? नहीं यार, कसम से लॉकडाउन तो क्या ही हुआ, सारा दिन सुबह का खाना मैं बनाऊं, झाड़ू मैं करता हूँ, बेचारा प्रेरित पोछा करता है,
फिर दोपहर के बर्तन करता है वो, फिर शाम का खाना मैं बनाता हूँ, फिर रात के बर्तन वो करता है। ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे आपको? ढूंढने भी नहीं मिलेंगे बेटा। बस फिर आप फिर भी डांटते रहते हो ऐसे कैसे? काम करते रहो तो कुछ नहीं कहेंगे। हैं? ऐसे झाड़ू लगाते रहो, बर्तन साफ करते रहो। हाँ? कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे को। ऐसे झाड़ू लगाते रहो, ऐसे बर्तन साफ करते रहो, कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, 24/7 पर रोक लेना। कुछ भी नहीं मिल रहा, बिलिंग नहीं हो रही। परमानेंट क्लोज हो गया। उड़ती उड़ती डिमांड आई है कि गाना चलेगा पापा का फेवरेट। गाना फेवरेट नहीं है, सनी लियोनी फेवरेट है। जैसे अभी क्या हुआ, पीछे हम आ रहे थे यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज पे, तो आगे गाड़ी मुड़ मुड़ के जा रही वापस, तो वो कह रहे हमने पूछा रोक के जी क्या हुआ आगे, क्या दिक्कत है। तो बैरियर लगे हुए थे, थोड़ा सा ट्रैफिक था। अब सारी गाड़ियाँ यू टर्न मार मार के रॉन्ग साइड से जा रही हैं कि जी ट्रैफिक हो गया, हम वापस नीचे दूसरे रास्ते जाएंगे। और सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें क्रॉस करने में, और आगे खाली है बिल्कुल। किसी में इतनी पेशेंस नहीं है कि 10 मिनट रुके या 15 मिनट रुके। क्या हमें तो है ना, हम हमें तो, मैं एक बात कर रहा हूँ नॉर्मल की, पेशेंस होने चाहिए, संभाल। पापा में बहुत है, पापा कुछ नहीं करते। पापा जैसे अगर मेरे साथ थोड़ी सी गलती हो जाए ना, तो पापा कुछ नहीं करते, पापा जैसे चप्पल उठा के फाड़ते हैं। बहुत पेशेंस है पापा में। पेशेंस डंडा नहीं उठाया बेटा, चप्पल उठाई, कितना पेशेंस है। ये भी सही है, डंडा नहीं उठाया, चप्पल उठा के मारी है। डंडा उठा तो ज्यादा लगती। तो ये पेशेंस की तो बात है, पेशेंस की तो बात है, और किस चीज की बात है। हाँ जी भाई, तो एक बड़ा रैंडम सा व्लॉग था ये भी, एक काफी दिनों से नोडा, तो काफी दिनों से ऐसे ही क्या लग गया, काफी दिनों से बाहर नहीं निकल रहा था, आज पापा के साथ निकला। और ऐसी बातें भी काफी दिनों बाद हुई, क्योंकि सही है अभी सब कुछ चल रहा है, ठीक है सब जो भी चल रहा है। बता आज बढ़िया हुआ, बातें हुई कुछ अच्छी अच्छी सी, हंसी मजाक हुआ थोड़ा सा। अभी फिर से अपना झाड़ू पोछा बर्तन की बारी आ गई है, तो अपना झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे, सब्जी बनाएंगे। सो या मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय। अभी क्योंकि हमारे वस्त्र चेंज होने वाले हैं, और मास्क जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली एक दिन पहनता हूँ मैं, फिर फेंक देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे जो भी ये सारे ख़राब मास्क हैं यहाँ पे इसमें ला के रख देता हूँ, आराम से बाहर नहीं फेंकता क्योंकि सारा इधर उधर गंदा हो जाता है। तो हाँ ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अगर बहुत ज़्यादा मन करे बाहर जाने का तो ऐसा सिंपल जाओ सीधा कहीं घूमने, और बाहर से वापस आ जाओ अंदर। टाटा बाय बाय। अभी इसको ज़रा दिक्कत हुई हुई है कुछ, इसे इसके कुछ टॉय खो गया, वो ढूंढ के देना है। बाय बाय।